तो भी बहुत ज्यादा मैं टूट गई हूँ। रोगन अच्छा वो होता है कि अगर मिला भी दो तो रो। चलो ठीक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे दोपहर के 3। बाकी रिसेंटली हमने एक मैट्रेस ऑर्डर की थी, लास्ट के ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था कि वो मैट्रेस जो है हमने अमेजोन से ऑनलाइन ऑर्डर की थी, कल ही हमने उसको इंस्टॉल करके उन्हें सेटअप किया, तो मुझे सोने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मतलब जहाँ पे भी जैसे बैठो तो एकदम से वो दब जा रहा है, तो उठने में बहुत प्रेशर लग रहा है मुझे, तो स्ट्रिचेस पे काफ़ी मुझे पेन टाइप का फील हो रहा था। उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, तो इसी वजह से जो हमने रिटर्न का प्लान किया है, सो रिटर्न तो अवेलेबल नहीं था, ओनली रिप्लेसमेंट इज़ अवेलेबल। अभी मैंने बात की थी कस्टमर केयर पे मॉर्निंग में, फिर मैंने उनको पूरी अपनी कंडीशन बताई, लाइक सिजेरियन हुआ है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैट्रेस अच्छी है बट मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो बस अभी वही है कि आज वो लोग आएंगे एंड आज मुझे अपने स्ट्रिचेस को भी दिखाने जाना है, तो बस अभी फटाफट से जो है मैट्रेस को निकालते हैं, उसको पैक वगैरह कर देते हैं एंड देन वो लोग पिकअप वगैरह कर लेंगे आके, ना तो चलो अभी चलते हैं, मैट्रेस वगैरह सब सेटअप वेटअप करते हैं पूरा। फिर से अगेन 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 तुम्हारा मजा आ रहा है। क्यों जंप है? मम्मी को दुख हो रहा है। मम्मी को ये बहुत पसंद था लेकिन यार अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे बहुत। मम्मी तो जलपरी बन गई है। हाँ हाँ, यहाँ से मुड़ जाएगी, ट्रांसफॉर्मर के बगल से आ गया है। सो अभी भैया लोग आ गए हैं पिकअप के लिए। सब बजे इवनिंग के 5, बाकी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मेरे को ड्रेसिंग वगैरह करानी है, तो प्रेगनेंसी का पूरा मेरा ट्रीटमेंट तो आशियाना से चल रहा है, ड्रेसिंग भी लास्ट टाइम वहीं हुई थी, तो उसको बस आज रिमूव करवाना है। हमने कहा बस इसको रिमूव ही करवाना है, तो आसपास के किसी मैटरनिटी सेंटर पे चल देते हैं, रिमूव करवा लेते हैं। सो अभी निकलते हैं, चलते हैं हॉस्पिटल। A few moments later. So guys, मेरी ड्रेसिंग हो चुकी है, बाकी अभी मैं पैक करवा रही हूँ बिरयानी। मेरा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था बट यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो मैंने सोचा घर पे लेके चलते हैं, आराम से खाएंगे। तो ये जो बिरयानी की शॉप है ये है, इसका नाम है आरिफ मुरादाबादी फैमिली रेस्टोरेंट, जो कि आपका PGI वाला रिलायंस ट्रेंड्स है ना, उससे जस्ट अपोजिट में है। एंड ये काफ़ी मतलब अच्छी बिरयानी इनकी रहती है, हम लोग पहले लाइबा से लेते थे बट जब से यहाँ की खाई है तब से यहीं की चल रही है, मतलब बहुत ही टेस्टी रहती है, तो एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखना। A few moments later. गूगल मत तोड़ो ना प्लांट्स। बनाओ ना, बनाती हूँ, हाँ ठीक है। अरे क्यों तोड़ रहे हो प्लांट? पिटाई होगी अब, मम्मी कस के पीटना जरा। कस के दौड़ना थोड़ा, हाँ। ज़ूम कर सकती हूँ बस। मम्मी भी तेज दौड़ रही हैं। 3 hours later. So guys, कल जो है मम्मी जा रही हैं और मतलब ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा मैं टूट गई हूँ, तो इतना ज़्यादा टूट गई हूँ ना कि मतलब अब मुझे अब भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ KFC से ऑर्डर कर लूँ, थोड़ा बर्गर वर्गर खा लूँ, रोस्टेड वगैरह खा लूँ, तो बस अभी मैं जा रही हूँ ऑर्डर करने। अरे अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। मम्मी तो इमोशनल हो गई, मम्मी मुझे तो KFC की भूख लगी थी। आप तो यही हो यार, जब मन करे तब आ जाना। तो मम्मी अब कब आओगी? जब मर्जी तब आ जाएगी, इसमें क्या आज नहीं, हम जहिया शादी अटेंड किए तहिया कहेगी जब मर्जी तब हम आके मिल सकते हैं। बिल्कुल आओ यार, आप ही का घर है, ऐसी क्या बात है,
अटेंड की थी शादी? अरे मैंने शादी शादी ठीक किए थे तो। अच्छा फिक्स की थी तो? फिक्स किए थे तो। ये बात है, चलो ठीक है। सो अभी जस्ट ला के ही रखा था बट इससे रहा नहीं गया। आपने तुरंत ओपन कर लिया? हाँ। पूछा मम्मा से आपने? ये तो आपके लिए नहीं है, ये बड़े लोग खाते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। मम्मा से कुछ नहीं होता। ठीक है खा दो। मम्मा लेकिन बात करती है, अच्छा नहीं लगता। मत खा, दे दो मम्मा को, दे दो, दे दो मम्मा को। नहीं। तो चलो जी अभी हम लोग भी खा लेते हैं। सेलेक्ट पीस मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा ही मैं ही लेती हूँ। सो अब मैं भी जा रही हूँ खा लेती हूँ। मैंने बोला था कि मम्मी यहाँ आइएगा तब बनाइएगा, लेकिन मम्मी बना के ले आ दी। चलो खा लिया जाए। सो अभी नैविक की मसाज की थी मम्मी ने, तो अभी गूगल पे विजिट करने लगी तो अभी उसकी मसाज हो रही है। The next day. So guys, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11, बाकी अभी थोड़ी बहुत जो है वो बारिश शुरू हो गई है। सुबह से ही थोड़ा मौसम था कि बारिश होगी होगी, बट अभी फाइनली जो है स्टार्ट हो गई। पता नहीं दिख भी रही है कि नहीं। हाँ अभी थोड़ी थोड़ी विजिबल है। एनीवेज बाकी इनको वॉकिंग के लिए बोलते बोलते जो है 5 साल से ऊपर हो गया है। रोज़ ये बंदा बोलता है करूँगा करूँगा, बट आज जब ये मौसम मतलब बारिश वाला हुआ है, ये है कि अंदर बैठो, तो आज जो है ये जागे हैं वॉकिंग करने के लिए। और थोड़ा धीरे चलो, इतनी तेज चलोगे तो भीग जाओगे। अरे थोड़ा दौड़ लो भैया। ये सही है। गूगलू आप टायर्ड हो गए क्या? 2 राउंड गूगल ने मारे तो थक गई, तो ऊपर बैठ गई। अब 2 राउंड आप मार लेना, थक जाना, फिर आप अंदर आ जाना, ठीक है? देखो कीवी कितनी तेज है, सुन रहे? वहां से चक्कर नहीं मार के इधर से शॉर्टकट ले ली। सो बस गाइस अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं चिकन बनाने का। वैसे तो हमारा सैटरडे नाइट ही बनता है, बट क्योंकि आज मम्मी को जाना है, सो वी थॉट कि दिन में ही बना लेते ताकि पैक पैक करके दे देंगे तो मम्मी पापा भाई खा लेंगे। सो बस आज का ही प्लान है। सो गाइस नॉनवेज तो हमारे यहाँ यही बनाते हैं। जब मैं यहाँ पे आई थी तो पापा बनाते थे, फिर पापा ने मुझे सिखाया तो मैं बनाने लगी। सो गूगल के टाइम जब मैं प्रेगनेंट थी ना, तो उसकी स्मेल मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, तो उसी टाइम का छोड़ा है कि मतलब दोबारा कभी हाथ नहीं लगाया, मतलब दोबारा कभी बनाया नहीं है मैंने। सो उसी टाइम से जो है इन्होंने स्टार्ट किया बनाना है, ये इतने प्रो हो गए कि अब यही बनाते हैं। इन्हीं के हाथ का सभी को पसंद है, इनको इंटरेस्ट भी है बनाने का। A few moments later. सो अभी मैं और नैविक जा रहे हैं बेसमेंट में, देखिए कहाँ तक पहुँचा प्रोसेस चिकन बनने का। कितनी देर म्यूजिक प्ले कर रहे हो, क्लेम आ जाएगा दादा। क्लेम क्लेम क्लेम, ये देखो यहाँ पे शॉट लो। वाह मेरे शेर, वाह बेहतरीन लग रहा है। ये कलेजी अभी नहीं पड़ेगी? कलेजी आखिरी अभी डाल दूंगा, पिघल जाएगी। छोटा मुर्गा था ना बेटा। बेटा चिकन खाना है। अभी छोटी उठा है तो अभी मम्मी की विदाई की तैयारी हो रही है। चिकन भी बन के हो गया तैयार। थोड़ा मैंने तेल बढ़ा के डाला इस पर, उनका टेस्ट आ जाए। टेस्ट के लिए थोड़ा तेल बढ़ा के डाल रहा हूँ। सो हम लोग पैक करने के लिए बर्तन ढूंढ रहे थे, बर्तन तो मिला बट हमने सोचा कुकर में बेस्ट रहेगा। नहीं हमने करने एक भी कुकर दे देते हैं। ये हम लोग आई थी नहीं, ऐसी बात नहीं, नेक की बात नहीं, ये एक्चुअली में रखा हुआ तो हमने कहा इसमें अच्छे से पैक वैक हो जाएगा।
बाकी बर्तन ना थोड़ा ये था कि रखेंगे तो गिरने का डर लग रहा था। इसमें क्या है, पैक कर लो, घर ले जाओ, अपना आराम से गर्म करना रहा तो गर्म कर लेंगे इजीली। पहले जब मैं आई थी तब इसी में बनता था ना नॉनवेज। तीन लोगों का, मम्मी पापा संजू, नहीं तीन लोगों का है उसमें। रोगन अच्छा वो होता है कि अगर मिला भी दो तो रोगन कभी भी मिक्स नहीं होता है, वो ऊपर आ जाता है। इसके अलावा ये मम्मी की साड़ी है, पापा के लिए ले तो नहीं थी जबरदस्ती, जो हमने पैक कर दी है। पड़े पड़े एक दिन चूहा काट दी और कुछ ना हो। हाँ हम पैंट शर्ट पहन ले, घर से काम करे क्या, कहीं जाए कि ना। इसके अलावा ये कुछ सिरफल है और पपीते हैं जो कि मम्मी को ले जाने के लिए पैक कर रहे हैं। बाकी ये कुछ भेली है, सब हो गया, धनिया पत्ता मिस हो गया है। वाह ऐसी तोड़ है, पता ही नहीं चलेगा कुछ टाइम बाद भूल जाएगा। मम्मी तब से ली है कि उठ जाए उठ जाओ, वो उठ ही नहीं रहा। ए बेटा उठ जाओ भाई, बाबू उठ जा बाबू। तो मम्मा मैं सुबह तक आ जाऊंगी। सुबह कैसे आ जाऊंगी, तू यही जा रहा बाबू के लेके जाता ना। नहीं गूगल और बाबू साथ ही रहते हैं, बाबू किससे ले रहा है, नहीं ले रहा है। अच्छा नहीं ले रहा, नहीं ले रहा कोल्ड ड्रिंक। नहीं तो मेरे को भी जाना है ना, चलो ठीक, बाय बाय मम्मी, बाय बाय। देखो आपको कहाँ है, बस गूगल हम लोग जाएंगे ना, नेक्स्ट टाइम जाएंगे, अभी क्राई नहीं करो। Guys, अभी हम लोग ने ऑर्डर किया है KFC से बर्गर और रोस्टेड वगैरह, एंड काफ़ी टाइम से जो है लास्ट के 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली हम लोग खा रहे हैं, मतलब हफ्ते में 2-3 बार हो जा रहा है। तो आज सभी ने जो है म्यूचुअली डिसाइड किया है कि आज खा लेंगे, एंड उसके बाद बस हफ्ते में एक ही दिन जो है वो चीट डे रखेंगे, बिकॉज यू नो बहुत ज़्यादा ही बीच हो गया था, काफ़ी ज़्यादा। पहले तो चलो एक्सक्यूज था प्रेगनेंसी वाला, अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। प्रेगनेंसी वाला एक्सक्यूज क्या होता है, अरे मेरा एक्सक्यूज चल रहा था ना कि अरे मेरा मन मन कर रहा है ऐसा था। वही मतलब वही है, समझ गई होगी, दिखा रही हो जैसे लग रहा है, जनता समझ गई है। तो बस इसीलिए हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि भाई अब वंस इन अ वीक ही रहेगा चीट डे, बाकी दिन जो है बढ़िया साधारण घर का खाएंगे, हेल्थ पे फोकस करेंगे, एक ही दिन जो है वो चीट डे होगा, उसी वजह से जो है आज फाइनल पार्टी कर लेते हैं। हो गया भाई ऑर्डर, हो गया कहाँ पे, कहाँ पे पहुँचा, बस बगल में है भाई मेरा, कहाँ पहुँचा, 5 मिनट में। चलो ठीक, थैंक यू बोल दो अंकल को, अरे गिर जाएगा भैया। अच्छा थैंक यू बोल दो अंकल को, अभी ओपन करूँगी ना तब खाना आप। अभी मेरे को बहुत भूख लग गया, खाने दो। आप फिनिश कर दोगे क्या ये? नहीं ये नहीं कर पाएगी, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लूंगा, वीडियो देगी। आगी।